नमस्कार, मैं नीरज चुग आपके साथ पल पल में। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में किस लिए जरूरी होती हैं यूनिफॉर्म्स। कुछ पेरेंट्स जैसे यहाँ पर आते हैं हमारे पास तो कहते हैं कि मैडम यूनिफॉर्म क्यों लगवा रखी है आपने, यूनिफॉर्म ना पहना कर भेजें बच्चों को तो क्या होगा, तो हम क्या विदाउट यूनिफॉर्म भी बच्चों को भेज सकते हैं। तो उनको मैं एक ही बात समझाना चाहूँगी, उन पेरेंट्स को भी और सभी को, कि यूनिफॉर्म में बच्चे की स्मार्ट लुक आती है। और वैसे अदरवाइज मान लीजिए कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म ना लगवाएं तो बच्चे अपने घरेलू जैसे भी कपड़ों में आ जाते हैं, कुछ भी ड्रेसेस वगैरह वियर करके आते हैं। तो मान लो एक बच्चा गरीब घर से है तो वो अपने हिसाब से क्लोथ्स वियर करके आता है, तो जैसे उसने टी शर्ट या नीचे लोवर वगैरह जो भी पहना हुआ है। तो एक बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अच्छे खासे कपड़े पहनकर आता है। तो यहाँ पर स्कूल में आकर बच्चों ने क्लासेस में एक साथ ही पढ़ना है, एक साथ ही उन्होंने बैठना उठना होता है, तो उनके अंदर जो गरीब बच्चे होते हैं उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। वो बच्चा सारा दिन उसको ही देखता रहता है कि हाँ ये बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, मैं इसकी अपेक्षा अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो ये हीन भावना बच्चों के अंदर ना आए, और ना ही जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उन गरीब बच्चों को चिढ़ा पाए। कई बार वो चिढ़ाते हैं बच्चों को आपस में कि ये तूने क्या पहन रखा है। तो ये सभी का लेवल इक्वल करने के लिए हर स्कूल में ये यूनिफॉर्म्स लगाई जाती हैं। तो ये यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहना कर ही स्कूल भेजा करें। नमस्कार। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि क्यों ज़रूरी होती है यूनिफॉर्म पहनना। यूनिफॉर्म एक स्कूलों में भी पहनी जाती है, ऑफिसेज में बड़े लोग भी पहनते हैं। यूनिफॉर्म से पता चलता है लुक का भी, बच्चा कौन से स्कूल का है या कौन से ऑफिस से बिलोंग करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। और अगर YouTube चैनल पर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।